सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, यूडाइस को अपडेट करने के संबंध में आदेश जारी हो गया है। यूडाइस का जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है उसको आपको अपडेट करना है। इसके संबंध में दोस्तों, मैंने पहले ही एक वीडियो आपको जारी करके बता दिया है। अभी कुछ दिन, दो चार दिन पूर्व ही मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने आपको बताया कि यूडाइस का प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपको किस तरह से सबमिट करना है। अगर आपके विद्यार्थी कोई TC लेकर चला गया है तो किस तरह से करना है। विद्यार्थी को, प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को आपको अपडेट करना होगा, उसको प्रमोशन देना होगा ताकि वो यूडाइस में नेक्स्ट सेशन या वर्तमान में 2024-25 में शो हो। यूडाइस के इस स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल में कार्य करने हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से भी एक आदेश जारी किया गया है जिसमें यूडाइस 2024-25 को आपको कंप्लीट करना है और कौन कौन से पोर्टल कंप्लीट करना है इसके बारे में भी बताया गया है। इस आदेश के अनुसार कि स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि समस्त राजकीय और निजी विद्यालय के यूडाइस प्लस 2024-25 में अपडेशन के कार्य हेतु पोर्टल खोला जा चुका है। समस्त विद्यालयों से निम्न कार्य पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें। तो समस्त विद्यालय, चाहे निजी विद्यालय है या राजकीय विद्यालय है, समस्त को सबसे पहले तो स्कूल मैनेजमेंट मॉड्यूल को अपडेट करना है। उसके अंतर्गत मैनेजमेंट में कैटेगरी, विद्यालय टाइप, विद्यालय का नाम परिवर्तन इत्यादि है तो आप CBO ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय स्तर से विद्यार्थी मॉड्यूल में जाकर स्टूडेंट प्रोग्रेशन करें, यानी विद्यार्थी को प्रमोट करना है, उसमें उसके नंबर भी ऐड करने हैं, उसका ग्रेड भी ऐड करना है, उसकी अटेंडेंस ऐड करनी है। तो इस तरह से विद्यार्थी को स्टूडेंट मॉड्यूल में प्रोग्रेस करें। और जो विद्यार्थी विद्यालय से TC या non-TC के कारण विद्यालय में अध्ययनरत या छोड़ कर जा चुका है उन्हें ड्रॉप बॉक्स में सेंड करें। स्टूडेंट को PEN यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर की सहायता से इम्पोर्ट करें। अर्थात अगर स्टूडेंट कहीं से आया है, TC लेकर आया है, तो उसको आपको इम्पोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से आपको अपने विद्यालय में यूडाइस में लेना होगा। तो यूडाइस में लेने पर आपको PEN नंबर पूछा जाएगा, PEN नंबर ऑटोमेटिक या विद्यालय की डिटेल डालेंगे तो आ जाएगा। विद्यार्थी और विद्यालय की पूरी डिटेल डालेंगे तो विद्यार्थी है वो इम्पोर्ट हो जाएगा। विद्यालय स्तर से आपको प्रोफाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल को भी अपडेट करना है। शिक्षक प्रोफाइल मॉड्यूल अपडेट करें। आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक है उसका मॉड्यूल को अपडेट करना है। अगर कोई शिक्षक जा चुका है, ट्रांसफ़र हो गया है या MGGS में जा चुका है तो भी आपको अपडेट करना है, और जो वर्तमान में है उसको भी अपडेट करना है। विद्यालय स्तर से सभी विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेट करें तो सभी विद्यार्थियों की प्रोफाइल भी आपको अपडेट करनी होगी। इसके साथ साथ जो अन्य निर्देश दिए गए हैं वो ये है कि प्रोग्रेशन का कार्य 100% पूर्ण होने के बाद ही स्टूडेंट प्रोफाइल में विद्यार्थी से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना जैसे जन्मतिथि, नाम परिवर्तन इत्यादि की प्रविष्टि संभव होगी। और यूडाइस प्लस पर तीनों मॉड्यूल प्रोफाइल, टीचर और स्टूडेंट, फिलहाल अभी जो दोस्तों मैंने वीडियो आपको बनाकर बताया वो स्टूडेंट का प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत ही है। उसके अलावा स्टूडेंट को इम्पोर्ट करना और स्टूडेंट को अगर वो चला गया है तो ड्रॉप बॉक्स में डालना, ये मैंने नहीं बताया है, ये अलग वीडियो जाकर बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है वो मैंने बताया है, नेक्स्ट वीडियो में पूरी बात हम करेंगे। तो आपको तीनों मॉड्यूल प्रोफाइल, टीचर और स्टूडेंट को पूर्ण करने के पश्चात कंप्लीशन सर्टिफिकेट अवसर रूप से जनरेट करना है। और ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट जनरेट करने के बाद यदि कहीं भी अपडेशन किया गया है तो आपको एक बार पुनः सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा, अन्यथा अपडेशन करने के बावजूद भी आपकी अपडेशन दिखाई नहीं देगी। और इसके अलावा सभी विद्यालय संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर, ईमेल आवश्यक रूप से चेक करें, गलत होने की स्थिति में ब्लॉक कार्यालय से आपको अपडेट करवाना होगा। और परिषद के आदेश क्रमांक 24/11/23 के अनुसार इस वर्ष भी गत वर्ष की भांति नवसर्जित जिलों में डाटा फीडिंग की मॉनिटरिंग का कार्य संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा किया जाएगा एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा नवीन जिलों के साथ समन्वय स्थापित कर डाटा फीडिंग में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे एवं पूर्व जिलों के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय में कार्यरत MIS के माध्यम से कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। और समस्त जो विद्यालय है, राजकीय और गैर राजकीय, को विभाग द्वारा संचालित टेलीग्राम चैनल, ये आपको दिया गया है, को ज्वाइन करने के लिए निर्देशित करें। आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि उसमें समय समय पर आपको यूडाइस से संबंधित जानकारी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी यूडाइस के संबंध में जानकारी। यूडाइस से संबंधित एक और वीडियो अभी अब हाल ही में कल या परसों में जारी होगा जिसमें आपको पूरी बात बताई जाएगी।
वीडियो अच्छी लगे निर्देशों के संबंध में तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।